हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का हम पावर पॉइंट में यूज कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है एनिमेशन टैब, जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है। और इसके अंदर सबसे पहले सीखेंगे हम एनिमेशन ग्रुप। पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन ग्रुप कुछ इस टाइप से दिखा देता है और इसका जो काम होता है व्हेन क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कोई भी एक प्रेजेंटेशन बनाने के बाद यूज एनिमेशन ग्रुप फॉर एनी कंटेंट टू बी अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट सच एज द टेक्स्ट पिक्चर ईटीसी। पावर पॉइंट के अंदर कोई भी एक प्रेजेंटेशन बनाते समय जो भी हम कंटेंट टाइप करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट पिक्चर ईटीसी या फिर जो भी कंटेंट है, तो सभी के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हम एनिमेशन ग्रुप का यूज करते हैं। और देखिए, एनिमेशन ग्रुप का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। क्लिक ऑन द कंटेंट लाइक टेक्स्ट या पिक्चर, उस कंटेंट पे क्लिक करना है जिसके ऊपर आपको एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, जैसे कि टेक्स्ट या पिक्चर। उसके बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो टू एनिमेशन ग्रुप, फिर आपको एनिमेशन ग्रुप में जाना है। जाने के बाद क्लिक ऑन एनिमेशन इफेक्ट टू अप्लाई, वहाँ पे आपको बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देगा फ्रेंड्स, जो भी आपको लगाना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एनिमेशन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू इज विजिबल ऑन क्लिकिंग एनी एनिमेशन। फिर आप देखेंगे जिस कंटेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, एनिमेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पे जितने भी इफेक्ट दिए हुए हैं, इसके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। क्लिक द एरो बटन टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट टू द कंटेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये हमारा एनिमेशन ग्रुप है। इसके अलावा अगर आपको और भी इफेक्ट लगाना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने पे एक एरो बटन है, मैंने यहाँ पे निशान दिया हुआ है। जैसे ही आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देगा, जिसे भी अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जिस कंटेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर वो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एनिमेशन ग्रुप का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू का, जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है। और इसका जो काम होता है, आफ्टर अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट टू द कंटेंट, किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद द प्रीव्यू बटन इज यूज टू व्यू इट्स प्रीव्यू। जो भी आपने एनिमेशन इफेक्ट जिस कंटेंट के ऊपर लगा रखा है उसका प्रीव्यू देखना हो तो उसके लिए हम प्रीव्यू बटन का यूज करते हैं। और प्रीव्यू का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द एनी कंटेंट लाइक टेक्स्ट या पिक्चर, किसी भी आपको कंटेंट पे क्लिक करना है जैसे कि टेक्स्ट या पिक्चर। इसके बाद एनिमेशन टैब पे जाना है। जाने के बाद अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट जिस कंटेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर कोई भी आपको एक एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। लगाने के बाद क्लिक प्रीव्यू बटन, जिस कंटेंट के ऊपर आपने क्लिक करके एनिमेशन इफेक्ट लगाया है उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रीव्यू का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट ऑप्शन, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और इसका जो काम होता है, इफेक्ट ऑप्शन आर यूज टू शो द सेम एनिमेशन इफेक्ट डिफरेंटली ऑन विच द एनिमेशन इफेक्ट इज अप्लाई। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंटेंट के ऊपर कोई भी आप एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं तो उसी एनिमेशन इफेक्ट के जैसे और भी आपको अलग अलग तरीके का एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हम इफेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है शो द सेम एनिमेशन इफेक्ट डिफरेंटली, मतलब जो भी आप एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे उसी के जैसे अलग अलग तरीके का एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हम इफेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। और इफेक्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए क्लिक ऑन द एनी कंटेंट लाइक टेक्स्ट और पिक्चर ईटीसी। आपको किसी भी कंटेंट पे क्लिक करना है, जैसे कि कहीं पे कोई नाम लिखा हो या कोई पिक्चर हो या फिर कोई भी कंटेंट हो। इसके बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। एनिमेशन टैब पे जाने के बाद अप्लाई एनी एनिमेशन इफेक्ट ऑन द कंटेंट, उस कंटेंट के ऊपर आपको कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। लगाने के बाद क्लिक इफेक्ट ऑप्शन,
फिर आपको इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। अब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यानी कि अलग अलग तरीके का एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इफेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है एड एनिमेशन, जो हमारा स्टेप से दिखा देता है, और इसका जो काम होता है फॉर एनी कंटेंट दैट हैज मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट एड एनिमेशन यूज्ड। देखिए फ्रेंड्स, एड एनिमेशन का यूज किसी भी कंटेंट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो तो उसके लिए हम एड एनिमेशन का यूज करते हैं। और यूज करने के लिए क्लिक ऑन द कंटेंट विच हैज अन एनिमेशन इफेक्ट ऑन इट, आपको उस वाले कंटेंट पर क्लिक करना है जिसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद एनिमेशन टैब पे जाना है। जाने के बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन होगा आपका ऐड एनिमेशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन अप्लाई मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट टू द सेम कंटेंट, आप उसी कंटेंट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। और किस पे क्लिक करने के बाद, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद, तो इस तरीके से हम ऐड एनिमेशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है एनिमेशन पेन, जो हमारा स्टेप से दिखा देता है, इसका जो काम होता है टू रिमूव एनिमेशन इफेक्ट बाय अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट ऑन एनी कंटेंट, किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद अगर आपको उसे हटाना हो तो उसके लिए हम एनिमेशन पेन का यूज करते हैं। और व्यूइंग द प्रीव्यू बाय अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट टू एनी कंटेंट, यहाँ पर एनिमेशन पेन का एक काम और है, किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद उसका सिर्फ प्रीव्यू देखना हो तो उसके लिए भी हम एनिमेशन पेन का यूज करते हैं। एनिमेशन पेन का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद एनिमेशन पेन पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू कैन सी एनी एनिमेशन इफेक्ट ऑन द कंटेंट, कंटेंट के ऊपर जो भी आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया है उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद राइट क्लिक ऑन द एनिमेशन इफेक्ट दैट इट टू बी रिमूव, उस एनिमेशन इफेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है जिसे आपको रिमूव करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक बटन होगा आपका रिमूव का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो जिस एनिमेशन इफेक्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक किया है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एनिमेशन पेन का यूज करते हैं। इसके बाद एनिमेशन पेन के बारे में मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्लिक द प्ले बटन टू सी द प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट, किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद अगर आपको उसका प्रीव्यू देखना हो तो उसके लिए एनिमेशन पेन के अंदर एक प्ले का बटन है, उस पर क्लिक करके आप आसानी से उसका प्रीव्यू दे सकते हैं। तो किसी भी कंटेंट पे एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद प्रीव्यू देखना हो तो उसके लिए भी हम एनिमेशन पेन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिगर का, जो हमारा स्टेप से दिखा देता है, इसका जो काम होता है ट्रिगर आर यूज टू ओपन एनी अदर कंटेंट बाय क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द कंटेंट। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एक कंटेंट के ऊपर क्लिक करके किसी दूसरे कंटेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। और ट्रिगर का यूज करना हो तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द कंटेंट टू बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन अदर कंटेंट, आपको उस कंटेंट पे क्लिक करना है जिसको आप किसी दूसरे कंटेंट पे क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद अप्लाई अन इफेक्ट ऑन दिस कंटेंट, जिस कंटेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर आपको कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट लगाना है यानी कि अप्लाई करना है। उसके बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा ट्रिगर का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर एक ऑप्शन होगा आपका ऑन क्लिक ऑफ, वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद क्लिक ऑन द कंटेंट नेम ऑन विच यू वॉन्ट टू ओपन द अदर कंटेंट, उस कंटेंट नेम पे आपको क्लिक करना है जिसके ऊपर आप किसी दूसरे कंटेंट को ओपन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंटेंट के ऊपर दूसरे कंटेंट को ओपन करना हो तो इस वाले स्टेप का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ट्रिगर का यूज हम पावर पॉइंट में कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एनिमेशन पेंटर, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है, इसका जो काम होता है कॉपी द एनिमेशन इफेक्ट ऑफ वन कंटेंट टू अनदर कंटेंट, किसी भी एक कंटेंट से एनिमेशन इफेक्ट कॉपी करके किसी दूसरे कंटेंट में
पेस्ट करना हो या फिर डालना हो तो उसके लिए हम एनिमेशन पेंटर का यूज करते हैं जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और यूज करने के लिए क्लिक ऑन द कंटेंट दैट हैज अन एनिमेशन इफेक्ट, आपको उस कंटेंट पर क्लिक करना है जिसके ऊपर पहले से एनिमेशन इफेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर एक ऑप्शन होगा एनिमेशन पेंटर का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द अदर कंटेंट टू कॉपी द एनिमेशन इफेक्ट, फिर आपको दूसरे कंटेंट पर क्लिक करना है जिसके ऊपर आप पहले कंटेंट का एनिमेशन इफेक्ट कॉपी करके किसी दूसरे कंटेंट पर डालना हो यानी कि पेस्ट करना हो। तो इस तरीके से हम एनिमेशन पेंटर का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और इसका जो काम होता है टू स्टार्ट द एनिमेशन बाय क्लिकिंग द लेफ्ट बटन विद द माउस, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद एनिमेशन स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसे फिर हमें प्ले करके दिखाना पड़ता है। तो प्ले कराने के लिए हमें कीबोर्ड से F5 का बटन दबाते हैं। जैसे हम F5 का बटन दबाएंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन प्ले हो जाएगा। और फिर आपको प्रेजेंटेशन दिखाते समय एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पर जाना हो या एनिमेशन को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो टू स्टार्ट ऑप्शन, एक आपका स्टार्ट ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद सिलेक्ट ऑन क्लिक, वहाँ पे आपको ऑन क्लिक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस F5 फॉर प्ले प्रेजेंटेशन, आपको वहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन को प्ले करना है कीबोर्ड से F5 का बटन दबा करके। उसके बाद नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस टू स्टार्ट द एनिमेशन इफेक्ट, फिर आपको वहाँ पर माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करना है एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम स्टार्ट का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है ड्यूरेशन, जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है। इसका जो काम होता है सेट द टाइम ऑफ एनिमेशन इफेक्ट फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट टू इट टू रन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद एनिमेशन इफेक्ट को कितनी देर तक चलाना है तो उसका टाइम सेट करने के लिए हम ड्यूरेशन का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हम टाइम सेट करते हैं, उसके लिए क्लिक ऑन द कंटेंट दैट हैज अन एनिमेशन इफेक्ट, आपको उस कंटेंट पर क्लिक करना है जिसके ऊपर पहले से एनिमेशन इफेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो टू ड्यूरेशन ऑप्शन, एक ऑप्शन से आपका ड्यूरेशन का वहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद सेट टाइम फॉर एनिमेशन इफेक्ट, अब आप एनिमेशन इफेक्ट का टाइम वहाँ पे सेट कर सकते हैं ड्यूरेशन वाले ऑप्शन के अंदर। तो इस तरीके से हम ड्यूरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिले, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है सेट डिले टाइम फॉर द सेकेंड एनिमेशन इफेक्ट आफ्टर फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट रन। किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं तो पहले कंटेंट का एनिमेशन इफेक्ट देखने के बाद कितनी देर के बाद दूसरे कंटेंट का एनिमेशन इफेक्ट देखना है तो उसके लिए हम डिले का यूज करते हैं। तो यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द कंटेंट ऑन विच टू सेट द डिले टाइम, उस कंटेंट पे क्लिक करना है जिसके ऊपर डिले टाइम सेट करना चाहते हैं। उसके बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गो टू डिले ऑप्शन, फिर आपको डिले वाले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद सेट डिले टाइम फॉर एनिमेशन इफेक्ट, फिर आप वहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट के ऊपर डिले का टाइम सेट कर सकते हैं डिले वाले ऑप्शन में जाकर के। तो इस तरीके से हम डिले ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है मूव अर्लियर, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और इसका जो काम होता है मूव अर्लियर इज यूज टू फॉर विच एनिमेशन टू बी शोन फर्स्ट एंड विच एनिमेशन टू शो लेटर। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन दिखाते समय कौन से एनिमेशन को आपको पहले दिखाना है और कौन से एनिमेशन को आपको बाद में दिखाना है उसके लिए हम मूव अर्लियर का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है मूव अर्लियर के लिए, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, टू शो द सबसिक्वेंस एनिमेशन इफेक्ट फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी बाद वाले एनिमेशन को पहले दिखाना हो और
पहले वाले एनिमेशन को बाद में दिखाना हो तो उसके लिए हम मूव अर्लियर का यूज करते हैं, और यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है। क्लिक ऑन द कंटेंट टू बी डिस्प्ले फर्स्ट, आपको उस कंटेंट पे क्लिक करना है जिसे आपको पहले दिखाना है। उसके बाद एनिमेशन टैब पे जा करके क्लिक मूव अर्लियर, फिर आपको मूव अर्लियर पे क्लिक करना है। मूव अर्लियर पे क्लिक करते ही बाद वाला इफेक्ट पहले प्ले होगा और पहले वाला बाद में प्ले होगा। तो इस तरीके से हम मूव अर्लियर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मूव लेटर, जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है, और इसका जो काम होता है मूव लेटर इज यूज टू फॉर विच एनिमेशन टू बी शोन लेटर एंड विच एनिमेशन टू शो फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंटेंट पे एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद किस एनिमेशन इफेक्ट को बाद में दिखाना है और किस एनिमेशन इफेक्ट को पहले दिखाना है, तो उसके लिए हम मूव लेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है मूव लेटर के बारे में, टू शो द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट लेटर। कोई भी ऐसा एनिमेशन इफेक्ट जो बाद में दिखाना हो और बाद वाले को पहले दिखाना हो, तो उसके लिए हम मूव लेटर का यूज करते हैं। और मूव लेटर का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द कंटेंट टू बी डिस्प्लेड लेटर। देखिए फ्रेंड्स, आपको उस कंटेंट पे क्लिक करना है जिसके ऊपर आपने एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है और उसे आपको बाद में डिस्प्ले कराना है, तो उस पर क्लिक करने के बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसी के अंदर एक ऑप्शन होगा आपका मूव लेटर का, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस कंटेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसका एनिमेशन इफेक्ट बाद में डिस्प्ले होगा, और जो बाद में कंटेंट है उसका एनिमेशन इफेक्ट पहले पहले होगा। तो इस तरीके से हम मूव लेटर का यूज करते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पर एनिमेशन टैब में यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी का हम पावर पॉइंट में यूज कैसे करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, ये आपकी थ्योरी की क्लास है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एनिमेशन टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी का प्रैक्टिकल यूज करना हो, तो मैंने इस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप इन सभी ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी का हमें पावर पॉइंट में यूज करना हो तो कैसे करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब के अंदर किसी भी कंटेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।